नमस्कार साथियों, केवीएस ट्रिजिटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरी और चौथी, जो पद है तीसरा और चौथा उसको पढ़ेंगे। तो चलते देखते हैं, जो लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, पोड़ पीतांबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारी ने संग फिरूंगी, भव तो वो ही मेरे रस खानी, तो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की धरा न धरूंगी, धरा न धरूंगी। यहाँ रसखान जी ने गोपियों के बारे में लिखा है। कह रहे हैं रसखान जी कि यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण का रूप रखना चाहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में इस तरीके से वो बसी हुई हैं, रची बसी हुई हैं, कि वो स्वयं श्री कृष्ण का रूप रखकर उनसे उनको अपने अंदर श्री कृष्ण जी की अनुभूति करना चाहते हैं। लिखा है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारी ने संग फिरूंगी। कह रहे हैं श्री रसखान जी कि गोपियां कह रहे हैं कि मैं जिस तरीके से श्री कृष्ण जी अपने सर के ऊपर मोर पंख लगाते हैं, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं मोर पखा, मोर का पंख सर के ऊपर रखकर गुंज की माल गहरे में जो है अपने गले में पहनूंगी, वो जो माला पहनते हैं मोतियों की, वो मैं माला अपने पहनूंगी। और पितंबर, मतलब पितंबर मतलब होता है पीला वस्त्र, और लय लकड़ी मतलब होता है, लकड़ी मतलब छोटी सी लकड़ी। वह गोधन ग्वारिन, मतलब कि गोधन मतलब होता है गाय, गोबर कह सकते हैं, और ग्वारिन मतलब होता है जो दूध बेचने वाली ग्वालिनी होती है, उनके संग फिरूंगी। कह रहे हैं कि आज मैं पीले वस्त्र पहनकर और एक लकड़ी लेकर के, और जो वहां पे गोपियां हैं, ग्वालिने हैं, जो गोधन मतलब दूध दही घी बेच रही हैं, उनके साथ में फिरूंगी। जिस तरीके से श्री कृष्ण जी बचपन में गोपियों की जो दूध दही घी की मटकियां तोड़ दिया करते थे, या फिर कहीं भी अगर उनको पता चल जाता था कि मक्खन है, तो पीछे पीछे पड़े रहते थे पीले वस्त्र पहनकर, उसी तरीके से आज मैं भी करूंगी। भवतो वो मेरे रसखान सो कहे सब स्वांग करूं। कह रहे कि ऐसी भावता है, ऐसी मेरी मन है, वही है रसखान जी कह रहे, वही मेरे मन के अंदर भावता है कि हे प्रभु, जो आप करते थे, जो भी स्वांग मतलब रूप धारण करता है, जो आप स्वांग रखते थे, आज मेरा वही स्वांग रचने का, वही रूप धारण करने का मन कर रहा है, और जो आप कहेंगे मैं करूंगी वो। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कह रहे कि या मुरलीधर, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस तरीके से आप अपने अधरान धरी अधरान अधरों, कह रहे कि जिस तरीके से आप अपने कमर की मुरली निकालकर अपने होठों पर रखकर बजाते हैं, उसी तरीके से आज मेरा भी मन है कि अपनी मुरली जो कमर से निकाल करके मैं अपने होठों पर रख लूंगी। तो इस तरीके से ये जो है पद का व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पद उसको देखते हैं। ये है, कानिंदे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हो, मोहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़े गोधन, गई है तो गई हो गई हैं, टेरी करो सिगरे ब्रज गोलन, कालिन को किनन समझी हैं, मावरी वामुख मुस्कान संभारी, ना जई हैं ना जई हैं नहीं ना जई हैं। तो इस तरीके से ये जो पद है इस पे हम लोग देखते हैं और जो है बात करते हैं कि ये क्या चीजें इन्होंने कहना चाहा है इस पद में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कानन दे अंगुरी रहिबे, कानन दे अंगुरी रहिबे मुरली धुनी मंद बजई हूं बजई हूं। कह रहे हैं कि जो कानों में मैं अंगुली दे दूंगी, ठीक है, कानों में उंगुली दे दूंगी, अगर जब भी ये अपनी मुरली थोड़ी धुन में बजाएंगे, बहुत ही मंद में बजाएंगे, ठीक है। मोहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़ गोधन, गई है तो गई हूं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोहिनी जो है, रसखान जी कह रहे हैं, जिस तरीके से मोहिन तान अगर ये छेड़ देंगे, तो मैं क्या कर जाऊंगी कि अटा मतलब होता है छत पर, अटारी पर चढ़ जाऊंगी, अगर वो जिस तरीके से गा रहे होंगे उसी तरीके से, गई हैं तो गई हैं, अगर वो चाहे जितना अच्छा गाए, चाहे जितना मुरली बजा कर गाए, हमें इसका फर्क नहीं पड़ेगा। टेर करो, टेर मतलब तेज से, टेर कहो सिगरे ब्रज गोलन, काली को कितनो समझे। कह रहे कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, चाहे जो ग्वालिनी हो, चाहे ग्वाला हो, कोई भी हो, चाहे जितना मुझे समझाए इस ब्रज की गोलन, कितना हमको कोई समझाए, चाहे कल समझाए, चाहे कभी भी समझाए, मैं उनके समझाए नहीं समझूंगी। मायरी व मुख की मुस्कान संभाले नजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेहरे पर मुस्कान
आएगी वो हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी और हमसे संभाली नहीं जाएगी। इस पर आप कुछ भी कहें, ये मुस्कान पे किसी का जोर नहीं चलने वाला। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ हुआ। तो ये चारों कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न अभ्यास क्या है। ब्रजभूमि में कवि प्रेम के किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुई है, अर्थ मैंने बता ही दिया है। ठीक है, कवि का ब्रज वन बाघ और तारा निहारने के पीछे क्या था कि वो वहां पे जन्म ले और धेनु चराने जाए, इस वजह से वो उसके पीछे का कारण है। या लपटी कमरिया पर क्यों निछावर करने, क्योंकि इतनी अच्छी लगती है उनकी कमर बंद, और कविवर महोदय पे जो है अपने सारे सब कुछ निछावर करने के लिए कहा है। रसी सखी ने गोपी को कृष्ण के कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भाव स्पष्ट कर दिए, मैंने बता दिया है। कौटिक के कड़धौत के काम करील के कुंजन ऊपर वालों, माई रिवा मुक्की मुस्कान संभाले नजीहे नजीहे नजीहे। कह रहे कि हे माई, मेरी मुस्कान धुनी सुनने के बाद में कभी संभाली नहीं जाएगी, आप उसके पीछे परेशान हो। कदम की डारन में कौन सा अलंकार, फूल कदम की डारन का, यहाँ पर 3 बार अगर जो है एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो आप बताएंगे कि वो कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, जहां अलंकार की पुनरावृत्ति होती है। तो इस तरीके से ये है, और शब्द संपदा ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और उसके बाद में इसका ले लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछेगा, मिलेंगे नए में। तब तक के लिए जो है ध्यान देते रहिएगा। और यह जो हमने बताया सवैया, इसमें 22 और 26 वर्ड होते हैं, ब्रजभाषा में बहुत प्रचलित यह छंद रहा है। ठीक है, अष्ट सिद्धियां हैं, इनका आपसे मतलब नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस ये सिद्ध ये पता कर लीजिए, 8 सिद्धि और 9 निधि होती हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।